हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइज, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने हमें रहने के लिए एक घर बनाया था, आलीशान घर बनाया था। अब इस वाले वीडियो में हम इस घर को ही थोड़ा बहुत अपग्रेड करने वाले, लेकिन यहाँ पर हमें हमारे पीछे एक क्रीपर लगा है। इससे क्रीपर बहुत डेंजर होता है यार, ये नज़दीक आता है और फट से फट जाता है। इससे पहले हम यहाँ आने देते। ये देखो यहाँ पर, मतलब हम उसके पास ही वहाँ पर ही घर के सामने खड़े होते तो ये देखो यहाँ पर कैसा हाल होता हमारे घर का भी। वहाँ पर एक मतलब गड्ढा सा हो जाता तो हम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ, तो यहाँ हमें सामने एक पिक दिख रहा है। हमें थोड़ा बहुत मीट चाहिए तो हम पहले इसे हंट कर देते और इसका मीट ले लेते और चलते हैं यहाँ से। हम पहले यहाँ पर खाने का जुगाड़ करने वाले, तो हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत मीट इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास खाना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें खाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक शिप दिख रही है तो हम उसे पहले मार देते और उसका मीट हम ले देते। हमारे पास जो कल खाना हमने पकाया था वो फरनास से पकाया था और हम उसे पहले यहाँ पर खाने वाले। तो पहले हमारी HP बढ़ा देते क्योंकि कोई आया भी तो हमें मार गया तो भी हमारा HP बहुत कम ना हो। तो पहले हम इस शिप को मारते और इसका मीट ले लेते। तो यहाँ पर हमें एक ये भी दिख रहा है, हेन भी दिख रहा है, तो इसे भी मार दिया हमने। तो चलते गाइस यहाँ से। हमने थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा कर लिया है जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। वो देखो, वो भाई यहाँ पर स्केलेटन है। स्केलेटन इतना डेंजर होता है ना, देखो कैसा डैमेज दे रहा है। देखो एक रुक ज़रा, इससे बताता हूँ मैं। ओ भाई साहब, बहुत डैमेज दे रहा है। इसे मारने वाले हम, तेरी माँ की। रुक 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 रुक, ले। तो गाइज हमने स्केलेटन को यहाँ पर मार दिया। स्केलेटन बहुत डेंजर होता है यार, बहुत डैमेज देता है यहाँ पर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारा घर का डोर जो है वो है इस साइड से, विलेज के फ्रंट साइड से, लेकिन हम ये डोर निकालने वाले हैं और ये डोर हम उस साइड से लगाने वाले। उस साइड से मतलब वहाँ से सामने से लगाने वाले। तो यहाँ से ये डोर हटा देते पहले, ये क्या तोड़ देते हैं डोर और यहाँ से निकाल कर वहाँ पर लगा देते। गाइज आप, इस बार हम घर को बहुत अपग्रेड करने वाले हैं क्योंकि मतलब पिछली बार जो घर दिखता था ना उससे बहुत अच्छा दिखे, इसलिए हम घर को बहुत अच्छे से एक करने वाले, मतलब यहाँ पर। तो गाइज हम यहाँ पर डोर लगाने वाले, ये देखो। तो यहाँ पर हमने डोर लगा दिया क्योंकि उससे भी अच्छा यहाँ पर दिखता है ये डोर लगाने से। ये देखो आप, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो गाइज हम यहाँ पर घर में आने जाने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ लगा देते क्योंकि और भी अच्छा दिखे हमारे घर। तो यहाँ पर घर के साइड से स्टोन लगा देते क्योंकि बहुत अच्छा दिखेगा। पहले डोर करते हैं क्लोज। अब हम ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ बनाने वाली, और सीढ़ियाँ बनाने से ना ऊपर चढ़ते वक्त अलग ही फीलिंग आती है और घर भी बहुत अच्छा दिखता है, मतलब एकदम नज़ारा ना ब्यूटीफुल दिखता है। और ऊपर से देखने से ना आगे माउंटेन वगैरह दिखता है तो बहुत अच्छा लगेगा हमें सीढ़ियाँ बना के। तो यहाँ पर हम स्टार्ट किया है सीढ़ियाँ बनाने के लिए, देखो। तो हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ लगा दिए और ट्राई करते हैं हम सीढ़ियों से ऊपर जाके। ओ भाई साहब, अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने से उतरने से थोड़ा बहुत अलग ही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर हम, ये देखो एक साइड से ही डर्ट ज़्यादा हो गई है तो इस साइड नहीं है, तो इस साइड भी हम डर्ट लगा देते और इसी साइड से थोड़ा, मतलब सीढ़ियों के बाजू से, मतलब सीढ़ियों के साइड से थोड़ा बहुत डर्ट लगा देते क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तो थोड़ी बहुत किले टाइप की ही फीलिंग आती है, मतलब हम किला चढ़ रहे ऐसी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर हम शिप को मार दिया है, तो यहाँ पर हमने शिप का मीट भी ले लिया है। तो गाइस शाम होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर सीढ़िया का तो थोड़ा बहुत काम हो गया है। तो आप चलने वाले हम घर के अंदर और यहाँ से व्यू देखते। ओ भाई साहब, यहाँ से व्यू बहुत 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 मतलब अच्छा दिख रहा है, व्यू यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हम थोड़े बहुत फ्लावर्स लाते हैं क्योंकि यहाँ पर लगाने। वो देखो स्केलेटन, अरे भाई साहब इसने डैमेज बहुत दे दिया। ये कैसा आदमी यार, कैसे मारा है? रुक रुक रुक, के बता दो मैं, रुक थोड़ी देर। अरे भाई तो मारते ही जा रहा है, ये देखो इसे हमने ख़त्म कर दिया। तो गाइज अब हम थोड़ा बहुत मीट खा लेते जो कि हमने कल रात को पकाया था और यहाँ से थोड़ी बहुत फ्लावर लेते क्योंकि हमें घर के बाहर से लगाने। तो हम आ चुके फ्लावर लेके, यहाँ पर डर्ट निकल गई है, यहाँ पर डर्ट लगा देते हैं और यहाँ पर हम फ्लावर लगा देते हैं क्योंकि फ्लावर लगाने से बहुत अच्छा दिख, यहाँ लग नहीं रहा, यहाँ पे लगता है तो अच्छा अच्छा होगा। वो सिर्फ डर्ट में लगता है, फ्लावर स्टोन में नहीं लगता, वो सही है। लेकिन ये देखो, ये रेड वाले फ्लावर लगा दिए, अब यहाँ पर वाइट वाले लगा देते हैं, मतलब दोनों टाइप के लगाने से बहुत अच्छा दिखेगा हमारे घर। देखो अंदर चलते। तो गाइज अब हम अंदर टॉर्च लगा दिया है बहुत,
लेकिन बाहर भी टॉर्च रहना चाहिए क्योंकि रात में बहुत अंधेरा होता है, तब टॉर्च भी बाहर लगाना चाहिए। तो हम बाहर भी टॉर्च लगाने वाली, और हमारे पास टॉर्च नहीं है तो हम यहाँ से क्राफ्टिंग करके थोड़ी बहुत टॉर्च इकट्ठा कर लेते। यहाँ से हमने टॉर्च कर दिया इकट्ठा और एक क्राफ्टिंग टेबल तोड़ देते। तो गाइज हमने थोड़ी बहुत टॉर्चेस इकट्ठा कर लिए और ये क्राफ्टिंग टेबल हम तोड़ देते और घर के बाहर हम टॉर्चेस अब लगा देते जल्दी से। तो यहाँ पर हम बाहर आ चुके और यहाँ पर टॉर्चेस लगा देते क्योंकि रात में अंधेरा ज़्यादा ना हो और हम बाहर भी आ गए तो हमें दिखे बाहर क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमने टॉर्चेस लगा दिए, 3 टॉर्चेस लगा दिए जो कि बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पर आलू की मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त आलू की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ी डर्ट लगा देते और भाई साहब हमारा घर जो लग रहा है ना तबाही लग रहा है एकदम, मतलब घर अब हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चलते हैं ऊपर और भाई साहब ये फ्लावर लगाने से ना तो अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब ब्यूटीफुल दिख रहा है आगे से, मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो हम यहाँ पर रखने वाले फर्नास क्योंकि हमें खाना भी तो पकाना है भाई, तो भूख भी लगती है, तो हमें पहले खाना पकाना होगा और हम खाना कच्चा नहीं खाने वाले क्योंकि पकाने से खाने वाले। तो गाय खाना पकाने से खाने से ना बहुत ज़्यादा एचपी बढ़ती है। और ये देखो घर, ओ भाई साहब अब शाम होने वाली है तो हम चलते हैं घर के अंदर क्योंकि यहाँ, ओ भाई साहब यहाँ पर ज़ॉम्बीज आना स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो हम करते हैं डोर क्लोज और ज़ॉम्बीज से हम पंगा नहीं लेने वाले, यहाँ पर चुपचाप से आप सोने वाले हैं और कल फिर हमें माइनिंग पर भी जाना है। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पर सो चुके हैं और हमें सुबह जल्दी माइनिंग पर भी जाना है। तो गाइज सुबह हो चुके हैं और हम चल रहे हैं माइनिंग पर क्योंकि माइनिंग पर जाने से ना हमें कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। यहाँ पर एक शिप दिख रहा है, हम इसे पहले मार देते हैं और इससे मिट लेते क्योंकि हमें खाने के लिए भी मीट की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं, यहाँ पे पिक भी दिख रहा है तो इसे भी हम मारने वाले, ये क्या, और इसका मीट लेते हैं और चलते हैं जल्दी से। तो गाइज माइन करने से ना बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। ये देखो यहाँ पर एक बड़ी सी केव है और हम इस केव के अंदर आप माइनिंग करने वाले, मतलब भाई साहब ये बहुत डेंजरस केव है और यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं शायद। भाई साहब बहुत, मतलब बहुत डीप है और बहुत डेंजरस भी केव है। ओ भाई मेरे को डैमेज पड़ा अभी। और देखो गाइज ये केव कितनी बड़ी है यार, नीचे कितना भी जाओ नीचे रास्ता दिख ही रहा है। यहाँ पर हम करने वाले यहाँ पर माइनिंग। देखो गाइज माइनिंग करने से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत मिलती है, जैसे कि गोल्ड हुआ, जैसे डायमंड हुआ, जैसे और कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्टोन जो कि हमें ऊपर नहीं मिलेंगे वो हमें माइनिंग करने से ही मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइज बहुत जॉम्बीज है नीचे और मॉन्स्टर्स भी है। देखो इस जॉम्बीज को बहुत मार खाने की जल्दी पड़ी, आ जाए इधर इधर आ और ले, नीचे नीचे ही गिर गया, नीचे गिर गया भाई ये जॉम्बी, नीचे ही गिर गया। ओ भाई आ गया क्या फिर से, और इसने तो पूरी टीम बुला ली इसकी, दो दो आ गए एक साथ। कोई बात नहीं आ जा फिर भी हम लड़ते फिर से, आ जा। तो गाइज हमने दोनों को भी यहाँ पर डाउन किया है, दोनों जॉम्बीज को भी। तो हमें यहाँ पर पहले बनानी है स्टोन पिकेक्स जो कि यहाँ पर स्टोन पिकेक्स बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर पहले हमें थोड़ी स्टिक इकट्ठा करनी है, फिर हमने स्टोन पिकेक्स भी बना लिया है। पहले एक क्राफ्टिंग टेबल तोड़ देते हैं फिर से, इसे पहले तोड़ देते हैं। तो गाइज हमें नहीं इसे तोड़ दिया है तो हम यहाँ से चलने वाले आगे, और आगे भी जाकर हमें माइनिंग करनी है। अच्छे अच्छे डायमंड और गोल्ड भी मिलेगा यहाँ पर शायद, मुझे लगता है। तो हम ढूंढते हैं पहले, तो गाइज यहाँ से चलते हैं हम आगे। लेकिन गाइज यहाँ पर बहुत तगड़ा अंधेरा है यार, यहाँ से आगे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम भी टॉर्च लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लगा देते हैं टॉर्च और नीचे देखो गाइज, नीचे इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स है ना, वो भाई साहब नीचे जॉम्बीज है और मकड़ी भी है, इनसे फाइट कर लो क्या मैं, नहीं नहीं इनसे कोई ये वो तीर, यहाँ पे हमें स्केलेटन कहाँ से तो मार रहा है यार, हमारा बहुत डैमेज किया है उसने। ये देखो मकड़ी, मकड़ी को बहुत मार खाने का शौक है, आ जाए इधर, इसे हमें मार दिया और गिरा दिया इसे। लेकिन स्केलेटन कहाँ से तो मार रहा है हमें, देखो साउंड भी आ रही है उसको देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा मीट खा लेते हैं क्योंकि हमारी जो एच पी है बहुत कम हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देखो गाइज यहाँ से नीचे जॉम्बीज जॉम्बीज है यार, कितने खतरनाक जॉम्बीज है यहाँ से नीचे। तो हम यहाँ पर करने वाले माइन और देखते हैं हमें कुछ यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल सकती है का। और गाइज ये जॉम्बीज है ना बहुत तगड़ा साउंड कर रहे यार, मतलब बहुत खतरनाक साउंड कर रहे, डेंजरस। तो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ओ भाई साहब ये जॉम्बीज कहाँ से आ गया यार, मार रहा है हमें, ये ले इसे बहुत मार खाने का शौक है यार बहुत, आ जा मुझसे पंगा लेगा क्या, ले चल निकल। तो इस जॉम्बीज को हमने ख़त्म कर दिया है और एक आ रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पर तो जॉम्बीज ही जॉम्बीज है यार, और एक आ रहा है क्या, देखो और एक आ रहा है, और ये साउंड कैसे निकल रहा है
इसकी माँ की पकड़ ले ले ले, ये भी इसे भी हमने कर मार दिया है। और हमारी हेल्थ जो है इन ज़ॉम्बीज़ ने बहुत कम किए, तो पहले हम यहाँ पर कुछ खाते तो खा लिया है हमने, और हमारी हेल्थ शायद बढ़ जाएगी इससे। और हम यहाँ पर करते हैं ओ भाई साहब, हमें यहाँ पर डायमंड मिल चुका है यार, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है। तो हमें यहाँ पर डायमंड मिल चुका है गाइज, तो फाइनली गाइज हमने यहाँ पर डायमंड ढूंढ लिया है, तो हमें मिल भी चुका है। तो गाइज यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो स्टोन पिकेक्स है ना, इससे डायमंड टूट ही नहीं रहा है, तो हमें इसे तोड़ने के लिए आयरन पिकेक्स बनानी पड़ेगी ऐसे मुझे लग रहा है। तो शायद हमें पहले आयरन ढूंढना पड़ेगा, और हम यहाँ पर ढूंढने वाले हैं आयरन, जो कि हमें मिलता है कि नहीं हम देखते, क्योंकि वो डायमंड तोड़ने के लिए हमें आयरन पिकेक्स की ज़रूरत है, उसे बनाने के लिए हमें आयरन ही चाहिए होगा। तो हम ढूंढते हैं यहाँ पर आयरन है क्या, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज ना आ जाए यार, फिर से एक डर है हमारे मन में। तो यहाँ पर आ रही है क्या, कोई डेंजर साउंड आ रहा है यार, बहुत डेंजरस साउंड आ रहा है ज़ॉम्बीज का। तो यहाँ से आ रहे है क्या, वो देखो गाइस यहाँ पर ज़ॉम्बीज कितने हैं, और ये आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर इनका जो रास्ता है वो बंद कर देते। तो हमने यहाँ पर पूरे ब्लॉक लगा दिए हैं, और हम जाने वाले हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर जाके निकलते यहाँ से, देखते नीचे कौन से मॉन्स्टर्स है। वो देखो गाइस स्केलेटन है, ज़ॉम्बीज है, तो हम इनसे पंगा नहीं लेने वाले, अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं पतली गली से। तो गाइस हमें पीछे जाने का रास्ता मिल चुका है, और देखो यहाँ स्केलेटन हम पे अटैक ही कर रहा है, अटैक करते जा रहा है, रुके ना। ओह गाइज हमें आयरन मिल चुका है, गाइज हमें यहाँ पर आयरन मिल चुका है, और यहाँ हम यहाँ पर आयरन इकट्ठा करते जल्दी से। ये देखो कितना आयरन है यार यहाँ पर, तो हमारा इससे काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमें इसे पहले इकट्ठा करते। तो फाइनली गाइज हमने जितना भी आयरन था वो सब इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें, मतलब आयरन की स्वॉर्ड लगने वाली, आयरन की पिकेक्स लगने वाली, वो हम बनाने वाले यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहले लगाने वाले टॉर्च, जो कि यहाँ पर बहुत अंधेरा हो चुका है, तो चलते यहाँ पर। हमें टॉर्च लगाने से कुछ ना कुछ दिख जाता है, मतलब जो जो चीज़ें यहाँ पर हमें दिख जाती। ओ भाई साहब वो तिर, यहाँ पर कौन सी चीज़ है यार, ये कौन सी चीज़ है, ये भी बहुत यूनिक दिख रही है हमें, यूनिक से अभी तक नहीं दिखी, आप दिख रही है। तो हमें यहाँ पर भी आयरन मिल चुका है, तो यहाँ से भी हम आयरन इकट्ठा कर लेते थोड़ा बहुत। तो गाइस हमने यहाँ का भी आयरन इकट्ठा कर लिया है, और हमारे पास अब बहुत आयरन हो चुका है, अब हम उससे वेपन बना देते। और इस आयरन के नीचे और क्या है, हम टॉर्च लगा के देखते। तो गाइस यहाँ आयरन के नीचे और भी ज़्यादा आयरन है, इसके नीचे भी बहुत आयरन है। तो गाइस हमारे पास अब बहुत आयरन हो चुका है, तो हम जल्दी से जाके यहाँ से निकलते हैं गुफा के बाहर। तो हम यहाँ पर गुफा के बाहर आ चुके हैं, और जल्दी से यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, और इससे हम बना देते हैं फरनास, क्योंकि फरनास इसलिए लगता है क्योंकि हमें आयरन की स्वॉर्ड और पिकेक्स बनाने, मतलब आयरन की वेपन बनाने, तो हमें इसलिए फरनास की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस हमारे पास पहले ही फरनास था, लेकिन हमने फिर से बना दिया, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, हमारे पास पहले ही फरनास है देखा ही नहीं, इसलिए हमने फिर से बना दिया। तो गाइज यहाँ पर हम इसे पहले मेडअप होने देते हैं, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आयरन के जो जो इंगॉट होते हैं वो बन चुके हैं, मतलब मेडअप हो चुके हैं। तो गाइज हम यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल से की मदद से यहाँ पर कुछ वेपन्स बनाने वाले, आयरन से बनने वाली, जैसे कि आयरन स्वॉर्ड हुई, आयरन पिकेक्स हुई। तो हमने यहाँ पर आयरन स्वॉर्ड तो बना दिए, और आयरन पिकेक्स भी बना दिए। तो गाइज आप फाइनली हमने आयरन के जो वेपन्स लगने वाले थे वो हमने बना लिए क्राफ्टिंग टेबल की मदद से। तो हम यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल तोड़ देते, और हम डायमंड हम कलेक्ट करने वाले, मतलब हम डायमंड लेने वाले, इकट्ठा करने वाले। तो यहाँ से हम टॉर्च तोड़ देते और निकलते यहाँ से डायमंड की तरफ। तो यहाँ पर हम आ चुके डायमंड के पास। तो गाइज हमने यहाँ पर पिछली बार, जैसा कि आपने देखा, हमने डायमंड देखा था। तो ये भी यूनिक दिख रहा है, ये कौन सा है मुझे मालूम नहीं, कौन सी चीज़ है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब डायमंड के जैसा ही दिख रहा है ये भी, लेकिन मालूम नहीं आखिर ये है क्या। तो कोई बात नहीं, हम डायमंड कलेक्ट करते हैं पहले जाके, इकट्ठा करते हैं यहाँ पर आके। तो डायमंड ये दे देखो गाइज, स्टोन पिकेक्स से मतलब टूट ही नहीं रहा था, और इससे देखो आयरन पिकेक से कैसे टूट रहा है फटाफट। तो गाइस नीचे भी बहुत डायमंड है, वो गाइस ये कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हमारी इन्वेंटरी भर गई है क्या,
तो हमने इन्वेंट्री से कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो हमने निकाल दिए, मतलब हमारे काम की जो जो चीज़ें नहीं थी वो हमने निकाल दिए। तो आप देखते, तो गाइस यहाँ पर फाइनली हम डायमंड लेके निकल चुके हैं यहाँ से बाहर। तो हमने यहाँ पर जितने भी टॉर्चेस लगाए हैं वो सब हम निकालने वाले हैं, क्योंकि हम इस केव के आगे जाने वाले हैं और वहाँ पर हो सकता है हमें गोल्ड मिल सके और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो हम यहाँ से जितने भी टॉर्चेस लगाए हैं वहाँ वो निकालने वाले हैं और चलते हैं हम इस केव के आगे। और गाइस हम आगे जाके बहुत अच्छा अच्छा मतलब हमारा घर जो है ना बहुत आलीशान बनाने वाले है, मतलब घर में बहुत बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगाने वाले, आलीशान घर बनाने वाले, और आगे जाके हम पेट भी पालने वाले और खेती भी करने वाले। तो गाइस अगली वाली वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा कुछ हम करने वाले। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और हमें पता नहीं यहाँ पर कुछ पहले अभी हमें ये चीज़ मिल चुकी थी और अभी भी मिल चुकी है, इसका यूज़ क्या होता है मालूम नहीं। वो जो ब्लू दिखती है वो चीज़ हमें यहाँ पर भी मिली। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा अंधेरा है गाइस, तो हमने यहाँ पर एक टॉर्च भी लगा दिए और आगे वो भाई साहब, और ये क्यों है या गुफा गुफा है या खंडर है यार, समझ नहीं आ रहा। बहुत तगड़ा अंधेरा है और आगे देखो यार कितने नीचे वो गाइस, यहाँ पर क्रीपर आ रहा है, क्रीपर आ रहा है, मैं मर गया। तो गाइस हमें यहाँ पर गोल्ड भी दिख चुका है और हमारे पीछे लगाए क्रीपर। क्रीपर इतना खतरनाक होता है गाइस, ये नज़दीक आता है और फटाक से फट जाता है, मतलब डरा देता है बहुत। ये देखो आ गया नीचे, हमारे पीछे आ रहा है, इसे आने देते थोड़ा, और बहुत नज़दीक आने के बाद ये देखो ये फट गया है, फाइनली क्रीपर जो है फट गया है। तो हम चलने वाले इस केव के बहुत आगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड है और ये हम निकालते हैं। तो गाइस हमें फाइनली गोल्ड भी मिल चुका है, यहाँ भी हमें जिसका इंतज़ार था वो भी इस केव के अंदर हमें मिल चुका है। और यहाँ पर हमें जॉम्बिस का बहुत डेंजर साउंड आ रहा है, और देखो वहाँ से जॉम्बिस भी आ रहा है, एक जॉम्बी है यहाँ पर वो देखो आ रहा है हमारे पास। गाइस ये जॉम्बिस बहुत खतरनाक होता है, सच में बता रहा हूँ मैं, इससे मतलब ये देखो आ गए ये कैसा जॉम्बी है यार, बहुत अलग टाइप का है, हम इसे मारते हैं। ये लिए वो आगे मार खाने आ गया फिर से, ये देखो इसे हमें टपका दिया है। तो गाइज ये जो गुफा है ना, कितना भी आके जाओ यार बढ़ती हुई जा रही है, गुफा या खंडर समझ नहीं आ रही। हमने यहाँ पर टॉर्च लगा दिया है। तो गाइज वो भाई साहब वो तेरी, यहाँ पे हमें एक स्केलेटन ने अटैक किया यार, इसकी तो अभी मैं बजा देता हूँ, रुक ए ले भाई तेरी माँ। ओ भाई साहब स्केलेटन ने हमें मार दिया यार, फिर से हमें रिस्पॉन करना होगा। तो गाइज हम स्पॉन हो चुके, वो भी हमारे घर में हो चुके यार, अभी चल रही नाइट, जो कि हम गुफा में अभी जा नहीं सकते क्योंकि बाहर बहुत मॉन्स्टर्स है। तो सुबह होते ही हम चले जाएंगे यहाँ से घर से। तो फाइनली गाइज यहाँ पर सुबह हो चुके हैं, अब हम जाने वाले सीधा गुफा में, जो कि वहाँ पर हमारी सब चीज़ें गिर गई है, जहाँ पे हमें स्केलेटन ने मारा था वहाँ पे गिर चुके, और जहाँ पर चीज़ें गिरी है वहाँ पे हम आ चुके। ओ देखो ओ भाई वो तेरी एक स्केलेटन पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, और इसने हमारी आयरन स्वॉर्ड थी ना वो भी इसने उठा लिया है, देखो इसके हाथ में है यार, और इसने और ये मारता ही जा रहा है। और भाई ओ भाई इसने हमारी HP बहुत कम कर दी, इसकी तो हम बच जाने वाले। तो गाइस फाइनली हमने स्केलेटन को मार दिया है और उसने यार हमारी HP इतनी कम की है ना, बहुत कम की है। तो हम यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत खाने वाले, यहाँ पर हमारे हाथ में मीट और वो हम खाने वाले, और ये देखो हमारी चीज़ें गिरी हुई थी यहाँ पर, तो हम थोड़ा बहुत मीट खा लेते हैं यहाँ से, जो कि उस ये पकाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे थोड़ी बहुत तो हमारी हेल्थ बढ़ ही जाएगी, मतलब HP बढ़ ही जाएगी। और गाइस यहाँ पर आवाज़ आ रही है कुछ यार, ये गोल्ड क्यों नोट है, शायद हमारी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई तो फिर से आ रहा है। ओ भाई साहब स्केलेटन फिर से आ गया, ये देखो यार वो मार दिया यार उसने हमें, वो तेरे स्केलेटन फिर से आ गया, अरे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार, स्केलेटन ने बहुत परेशान करके रखा है यार, अब इस बार हम इसे। ओ भाई साहब इसने कहाँ से मार दिया हमें, वो तेरे अब हमें फिर से जाना पड़ेगा यार उस गुफा के अंदर, मतलब उस केव के अंदर। यार यार हमारा दिन आज बहुत ख़राब चल रहा है गाइस, तो उस स्केलेटन को तो मैं मार डालूंगा यार, सच में यार उसका बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गाइस हमें फिर से जाना पड़ेगा और वो चीज़ें हम जो जो भी हमने इकट्ठा की थी वो फिर से लानी पड़ी यार, और हम इस बार इस गुफा में थोड़ी देर में नहीं रुकने वाले, वो चीज़ें हमने जो जो भी इकट्ठा की थी वो जिस जगह पर है हमें उसे वहाँ पर जल्दी जाना है और वो चीज़ें उठा के यहाँ से निकलना है जल्द से जल्द, ये बहुत डेंजरस गुफा है यार। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें स्केलेटन ने मारा था, और वहाँ पर हमें हमारी जो जो चीज़ें
गिर चुकी थी वो भी हम लेने वाले यहाँ से जल्द से जल्द और यहाँ से निकलने वाले। ये देखो यहाँ हमारी जो जो चीज़ यहाँ गिरी थी वो यहाँ पर है, तो हम यहाँ से निकलने वाले जल्दी। और गाइज हम इस गुफ केव के बाहर निकलने वाले क्योंकि यहाँ पर बहुत डेंजरस मॉन्स्टर्स है। और अगली बार जो जो चीज़ें हमें लगने वाली फिर से हम आ सकते हैं, तो पहले हम हमारा घर जो है इस चीज़ों से कुछ कुछ मतलब हमें स्टोन मिले है, मतलब बहुत अच्छे स्टोन मिले, आयरन मिला है और ग्रेनाइट भी मिला है और डायमंड भी मिला है और सब कुछ अच्छा अच्छा चीज़ें मिल चुके हैं हमें, तो हम इससे हमारा घर थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज इस वाली वीडियो में बस इतना ही, तो अगली बार हम बहुत कुछ कुछ अच्छा करने वाले, मतलब हम पेट्स पालने वाले और खेती भी करने वाले। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती है अगली वीडियो में, गुड बाय।